यार तू सभी लोग व्हाट्सएप को भी यूज करते हैं, यहाँ तक कि मैं भी इवन करता हूँ, और दिन भर में हम लोग 50 बार इसका यूज करते हैं। पर यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि ऑफिशियल वर्जन ना यूज करके GB व्हाट्सएप, व्हाट्सएप गोल्ड और तरह तरह आने जाने कितनी तरह अलग अलग तरह के आपको मिल जाएंगे देखने को, जो कि आपको प्ले स्टोर में भी मिल सकता है, कुछ आपको बाहर ऑफिशियल अपनी अपनी साइट पर मिल जाते हैं, कहीं पे आप देखोगे APK फाइल मिल जाती है। पर आपको क्या पता है कि अगर आप इनको यूज करते हो तो बिल्कुल आप इनके जाल में फंस चुके हो और आप हो चुके हो पूरी तरीके से हैक। यहाँ पे बहुत सारी पर्सनल चीजें जैसे कि आपकी फोटोज, आपका डाटा, आपके मैसेजेस, सारे के सारे इनके पास पूरा का पूरा डाटा है, जो कि अपने पास एकदम स्टोर करके रखते हैं और आपको हो सकता है फ्यूचर में मैनिपुलेट करेंगे, या सकता है आपकी प्राइवेसी को भी नुकसान पहुंचाए। तो आज मैं आपसे इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सरनक और आप देख रहे हैं टॉक टू यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो यार, व्हाट्सएप हम सभी लोग काफी दिनों से यूज कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि व्हाट्सएप का अलग अलग वर्जन आप देख सकते हो यूज कर रहे हैं, कुछ व्हाट्सएप गोल्ड यूज कर रहे हैं, कुछ GB व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, जो कि आप देख सकते हो ना फिर आपको प्ले स्टोर मिलेगा ना ही आपको कोई अलग चीज में मिलेगी। इनकी अलग से कुछ वेबसाइट बना रखी, वो भी ऑफिशियल नहीं है, आपको अलग अलग वेबसाइट पर इनकी APK फाइल मिल जाएंगी, आपको जस्ट सिंपली डाउनलोड करना है। पर यहाँ पे सवाल ये आता है कि इसको लोग यूज क्यों कर रहे हैं। दरअसल बात ये है कि जो व्हाट्सएप का ऑफिशियल वर्जन है, इस पर कुछ आपको इसमें कुछ लिमिटेड ही फीचर आपको मिलते हैं, जैसे कि आप अगर आप किसी को मैसेज सेंड करते हो तो आप डिलीट कर सकते हो, वो आप सामने वाले को नहीं दिखेगा। जो वो स्टेटस आप उसको लगाते हो आप 30 सेकंड का ही लगा सकते हो, तो कुछ चीज़ें कह सकते हो लिमिटेशन है। पर जो ये व्हाट्सएप गोल्ड है, ये GB व्हाट्सएप, इन्होंने क्या रखी है, अपनी खुद की ऐप बना रखी, बिल्कुल उसी तरह डिटो सेम व्हाट्सएप टाइप दिखने वाली। और यहाँ पर उन्होंने जो टाइमिंग है, यहाँ पे स्टेटस में लगने वाली टाइमिंग है, वो बढ़ा दी है। आप किसी को मैसेज सेंड करते हो तो मैसेज भी आप चाहो तो वो डिलीट करने के बाद भी आप देख सकते हो। तो ये सारे फीचर कुछ एक्स्ट्रा कह सकते हो, कुछ थोड़े से फीचर दे रखे हैं, थीम अलग सारी दे रखी है। तो ये सारे फीचर उन्होंने गिना दिए और वो गिनाने के बाद यहाँ पे अपनी APK फाइल पूरी तरीके से चला दी मार्केट में और लोगों को पसंद आए तो उन्होंने वो डाउनलोड कर लिया। पर आप देखोगे तो इनके कोई भी APK फाइल आपको प्ले स्टोर में नहीं मिलेगी, सबसे पहले बात, क्योंकि ये जितनी भी है ये प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, मतलब आपकी प्राइवेसी को पूरी तरीके से खतरा है। इसी वजह से जो इनके रूल है गूगल के और ये प्ले स्टोर के जो रूल है, उनके हिसाब से आप किसी कोई भी ऐप है जो यूज़र की प्राइवेसी को ख़राब नहीं कर सकती, ये यहाँ पे मानते ही नहीं हो सारी चीज़ अपनी पूरी तरीके से, जो यूज़र है उसकी धज्जियाँ उड़ा देते हैं उसकी प्राइवेसी की। इसी वजह से गूगल ने इनको प्ले स्टोर में जगह नहीं दिया, इसी वजह से ये आपको प्ले स्टोर में नहीं मिलेगा। मतलब जो भी आप काफ़ी सारी ऐप आप देखोगे जो कोई आप यूज़ भी करते होगे पर वो प्ले स्टोर में आपको नहीं मिलेगी, आप उनको अलग से बाहर से डाउनलोड करके अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेते हैं ज़बरदस्ती, क्योंकि वहाँ पर भी शो करता है कि आप अननोन तरीके से ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर रहे हो, वो भी आप कर देते हो। ये सब करने से होता क्या है कि एक्चुअली ये आपकी सारी की सारी डाटा आपके पास अपने पास रख लेती है, इसमें से आपकी फोटोज़ हो गए, आपके मैसेज हो गए, आप किससे बात करते हो, आपके कॉन्टैक्ट, सारे के सारे आपके जो भी जितनी भी प्राइवेसी है, जो आपकी प्राइवेसी, जो आपका हक है, वो सारा का सारा अपने पास डाटा रख लेती है। और हो सकता है उसका यूज किसी तरह की डाटा सेल करने में, किसी तरह की अदर मैनिपुलेशन में यूज करती हो। तो अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जब ये ऐप इतनी सारी खतरनाक है, हमारी प्राइवेसी को इतना ज़्यादा नुकसान पहुँचाती, तो फिर लोग इसका यूज़ क्यों करते हैं। तो बात ये कि आधे से ज़्यादा लोगों तो पहली बात जानकारी नहीं, एक ट्रूकॉलर आप ले लो, देखो 90% लोगों के फ़ोन में इंस्टॉल है पूरी तरीके से। तो एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोगों को जानकारी नहीं है, तो इसकी वजह से सबसे पहली बात ये आती है कि आधे से ज़्यादा लोग तो लोग फीचर में ही परेशान हो जाते हैं कि हाँ इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर मिल जा रहे हैं, ये हम ये स्टेटस में ये कर सकते हैं। अब क्योंकि ऑफिशियल वर्जन में ज़्यादातर लोगों के पास ऑफिशियल वर्जन है, तो ऑफिशियल वर्जन में वो सारी चीज़ें नहीं कर पाते। तो आप जिनके पास भी व्हाट्सएप गोल या GB व्हाट्सएप अदर तरीके की व्हाट्सएप है, वहाँ पे वो एक्स्ट्रा फीचर गिना देते हैं, उनको दिखा देंगे अपने दोस्तों को, ये देखो यहाँ पे हम स्टेटस 1 मिनट का लगा सकते हैं, आप तो उन्हें मैसेज डिलीट कर दिए तब भी हम देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप करके दिखा देते जो कि व्हाट्सएप ऑफिशियल वर्जन को पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ देखने के बाद अगला बंदा भी एक इंप्रेस हो जाता है, कह रहे यार ये सारी चीज़ ये कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ, तो मैं भी इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। इस चक्कर में लोग डाउनलोड कर लेते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी लोग इसको इंस्टॉल करते हैं उनकी पूरी तरीके से प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा खतरा है। तो जो यूज़र उसको खुद को नहीं पता कि उसकी प्राइवेसी की धज्जियाँ उड़ा उड़ा के उसका पूरा डाटा कहाँ से कहाँ भेज के क्या दिखाया जा रहा है, उसको क्या बेचा जा रहा है, कहाँ से कितने पैसे कमा ले रहा है, तुम तो बस उसने में खुश हो कि हमको 30 सेकंड का वीडियो के बजाय 1 सेकंड के स्टेटस लगाने की मिल गए, हम व्हाट्सएप किसी को मैसेज भेज रहे हैं वो डिलीट कर दे रहे हैं तब भी हम देख ले रहे हैं। तो सारी की सारी चीज़ें वो आपको थोड़ा सा 2-4 फीचर आपको एकदम कहते हैं ना लॉलीपॉप दिखा के अंदर से बजा दीजिए पूरी तरीके से, वही वाली कहानी है। यहाँ पे आपका देख लो कि अगर आप यूज़ करते हो तो आप उसको प्रॉपरली डिलीट करके दोबारा ऑफिशियल वर्जन वाला ही डाउनलोड करो जो कि प्ले स्टोर में है, दोबारा से डाउनलोड करो, दोबारा से यूज करो नॉर्मल, लेकिन ऑफिशियल कोई भी ऐप अगर आप यूज करते हो तो उसको ऑफिशियल तरीके से यूज करो। आप बहुत सारे लोगों को देखोगे ट्रूकॉलर यूज करते हो, वो भी एक तरह की पायरेटेड ऐप कह सकते हो, पायरेटेड नहीं कह सकते लेकिन प्राइवेसी के लिए वो भी खतरे हुए ऐप है, क्योंकि वो आपका सारा डाटा रिकॉर्ड रख लेती है, इवन आपके नंबर, आपके मैसेजेस, कहाँ से कितने बजे कौन सा मैसेज आता है, आपने कितने बजे किसको कॉल की, सारी चीज़ आप चेक कर सकते हो, उसकी प्राइवेसी पॉलिसी में आप खुद जाकर पढ़ सकते हो।
कि ये सब कोई भी ऐप यूज करने से पहले आप उसको जरूर देख लिया करो कि ये ऑफिशियल है या नहीं, उसमें क्या क्या हमारी प्राइवेसी लेता है। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि अगर आप GB व्हाट्सएप या व्हाट्सएप गोल्ड अदर तरीके किसी भी तरीके की आप यूज करते हो जो कि अनऑफिशियल है, उसको आप तत्काल प्रभाव से हटा दो और डिलीट करने के बाद आप नया ऑफिशियल वर्जन यूज करो वो जो कि ज़्यादा सेफ है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ ही साथ अगर आपको कोई भी डाउट हो अभी भी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ऑफिशियल वर्जन व्हाट्सएप पे ही शेयर करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।